भारतीय आंदोलन में एक प्रमुख टॉपिक आता है जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी भारत की आजाद करने में हजारों लोगों ने अपनी बलिदान दिए है, उन सभी क्रांतिकारियों को परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, वहां से परीक्षा में किस तरह सवाल आते हैं, इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरा देखेंगे। इस सेशन के अंत तक बने रहे, कोशिश करिए कॉपी कलम के साथ बने रहने का, जहां जरूरत पड़े इसके स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आएंगे। भारत के तमाम उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय आजादी में और भारत के हित में, राष्ट्र हित में अपने आप को अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, क्रमवार से पढ़ेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परीक्षक दृष्टिकोण से कोई ऐसा साल नहीं हो, कोई ऐसा पेपर नहीं हो जहां से आज सवाल ना है। आइए अगर हम देखें इस सेशन में तो सबसे पहले बिरसा मुंडा जी आते हैं। मेरा सवाल है कि बिरसा मुंडा का संबंध भारत के किस राज्य से है? जी हाँ, एक छोटा सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप इस वीडियो सेशन में कमेंट के माध्यम से देंगे। मेरे द्वारा ये क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क और देशहित में, राष्ट्रहित में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो बिरसा मुंडा जो एक आदिवासी थे, बिरसा मुंडा जी क्या थे, एक आदिवासी थे, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो कैसे थे, एक धार्मिक नेता थे जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। रांची जो झारखंड की राजधानी है, झारखंड की मुंडा जनजाति से थे। ये सवाल पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा जी किस जनजाति से थे, तो मुंडा जनजाति से थे और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। उन्होंने औपनिवेशिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा भूमि हड़पने की अनुचित प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यहां से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं क्योंकि आजकल परीक्षाओं का नया ट्रेंड चल रहा है, नए तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन ट्रेंड के हिसाब से ये पूरा सेशन है, ये पूरी सेस क्लास है आपके लिए। अगर हम बात करें तो 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, किसको, बिरसा मुंडा जी को, और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हीं के नाम पर रांची का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रखा गया। वैसे बिरसा मुंडा के बारे में और बहुत सी कहानियां हैं। उन्होंने अपनी आदिवासी जनजातियों के लिए बहुत कुछ किया और अंग्रेजों से लोहा भी लिया। कहीं ना कहीं ये उस समय की बात एक गर्व की बात है। आज उन्हें हम ऐतिहासिक पन्नों में पढ़ते हैं। ये फोटो देखते ही आपके जहन में एक खुशी की और एक मोटिवेशनल तरंग दौड़ने लगती है, एक राष्ट्र चेतना आने लगती है। जी हाँ, ये है हमारे भगत सिंह जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर भगत सिंह की हम बात करें तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के मंगा में हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर संयंत्र मामले में शामिल थे। जी हाँ, 23 मार्च 1931, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और इन दिनों पर आंखें भी हमारी नम हो जाती हैं। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र 23 साल थी। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह जी की। जी हाँ, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आजाद और राजगुरु जॉन सॉन्डर्स, मैंने गलती से जेम्स स्कॉट के बजाय जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसके बारे में ये माना जाता था उसने लाला लाजपत राय की पीटकर हत्या की में शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, जॉन सॉन्डर्स को यानी गोली मार दी गई थी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कारण क्या था, क्योंकि भगत सिंह प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से इनके परीक्षाओं में सवाल भी आते हैं। हम इसी क्रम को अगर आगे लेकर चलें तो शायद आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। भगत सिंह के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करने के लिए एक अहानिकर बम फेंका था। ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ, इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए,
8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करने के लिए एक अहानिकर बम फेंका था। इस क्रांतिकारी कार्य के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर पंजाब में की थी। यह भी की पॉइंट आप सभी के लिए अहम और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस सीरीज को पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। करतार सिंह नाम सुना होगा, करतार सिंह सराभा। जी हाँ, जब भी करतार सराभा की बात की जाए तो वे कम्युनिस्ट और गदर पार्टी के सदस्य थे और शहीद भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जब भी पढ़ेंगे तो एक राष्ट्रीय चेतना की जो तरंग पूरे शरीर में गूंजने लगती है। 19 साल की उम्र में गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए इन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। जी हाँ, ऐसे भी देशभक्त हमारे देश में थे। यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं क्योंकि हमें पढ़ना होगा। वीर सावरकर नाम सुना होगा, पहचाना भी होगा और आए दिन वीर सावरकर जी चर्चा में भी रहते हैं। अगर वीर सावरकर जी के बारे में लोग पढ़े तो इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर नासिक में हुआ था। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थापित किया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की जिसमें इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन शामिल थे। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष भी रहे। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है वीर सावरकर जी के बारे में। अगला है वीर सावरकर। वीर सावरकर की बात करें 1909 में पार्लियामेंट सुधार माने भारत परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की षड्यंत्र रचने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 1910 में उन्हें क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है उन्हें 1909 में पार्लियामेंट सुधार जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 1910 में उन्हें क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंधों के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। चलिए, सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में एक क्रांतिकारी समाज जिसे हम मिस्र मेला या अभिनव भारत की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछे क्योंकि आजकल देखते हैं कोट वाले प्रश्नों को जो पूछा जाने का ट्रेंड है उसके लिए यह बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम और आगे चल रहे, खुदीराम बोस। जी हाँ, खुदीराम बोस भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुदीराम जी की बात करें अगर हम तो बहुत सारे सवाल इनसे भी आते हैं। इनका जन्म 1889 में बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड की हत्या के षड्यंत्र के तहत मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 18 वर्ष की अल्पायु में ही स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको मिल गया है। आगे जब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो इससे जुड़े हुए और चीजें मिलेंगे। ये फोटो देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिले में हुआ था। और दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, फिर परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA शामिल हो गए। उन्हें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अल्फ्रेड पार्क में उस समय खुद को गोली मार ली जब पुलिस से वो घुरे हुए थे।
जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया था तो अपने उनके बंदूक में गोली थी, उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपने प्राण देश के नाम आहुत कर दिया। न चाहते तो वो अंग्रेजों के गोली से मर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक भारतीय गोली से मारना और इस देश के लिए शहीद होना लाजमी समझा। चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्ला खां, नाम सुनते ही गर्व होने लगता है अशफाक उल्ला खां जी पर। जी हाँ, अशफाक उल्ला खां जी अगर हम बात करें तो अशफाक उल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ। काकोरी षड्यंत्र कांड में पकड़े जाने के बाद उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी जाती है। और 9 अगस्त 1925 को कांड हुआ था। चापेकर बंधु, आइए चापेकर बंधु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चापेकर बंधु की बात करें तो 22 जून 1897 को दोनों भाई दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू सी रैंड उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी। 1899 में दोनों भाइयों को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। मानेंद्र नाथ राय, जी हाँ, मानेंद्र नाथ राय को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर हमने देखा कि वह 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने क्या कि 1917 में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्हें भारतीय साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता था। और उन्हें भारत का पहला क्रांतिकारी नेता माना जाता था। किसे? मानवेंद्रनाथ राय जी को। अब बात करते हैं मानवेंद्रनाथ राय जी से जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्यों को। 1936 में अपनी रिहाई के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में 1940 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की अनिच्छा के कारण पार्टी छोड़ दी। राय ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए 1946 में देहरादून में भारतीय पुनर्जागरण संस्थान की स्थापना की। यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अरविंदो घोष बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आते हैं। जब भी अरविंदो घोष की बात करेंगे तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। 1902 में 1910 तक उन्हें भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में भी हिस्सा लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने कई संघर्ष किए और 1908 में अलीपुर बम कांड में उन्हें क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया अरविंदो घोष जी को। अब है बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष जिन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाने, जिन्हें बारिन घोष भी कहा जाता है, ये श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई थे। वह क्रांतिकारी बंगाली साप्ताहिक युगांतर बंगाली के संस्थापक सदस्य थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी परीक्षा में एक झोला सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। अब है मातंगिनी हाजरा। कुछ चीजें आपको नई भी मिलेंगी। जो मातंगी हाजरा थी वह एक भारतीय क्रांतिकारी थी जिन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारे जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जी हाँ, वो भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारे जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1977 में बंगाल सरकार कोलकाता ने मैदान में महिला स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को समर्पित उनकी पहली प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। उधम सिंह, आप तो सुनते हैं, जब भी उधम सिंह का नाम आता है तब ये लगता है कि अगर कोई बदला लेने का किसी में जज्बा और जज्बात था, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की अगर हम बात करें तो उधम सिंह जी का नाम सबसे पहले और आज भी स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें सरदार उधम सिंह ने, जिन्होंने जलियांवाले बाग का हत्याकांड का बदला लिया, इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। वह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे।
उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की जलियांवाला हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार थे। जी हाँ, वो भी इंग्लैंड में जाकर उनकी हत्या की। सोचिए उस समय 1919 की बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी और उन्होंने 1940 में जाकर हिरासत में रहने दौरान उन्होंने अपना परिचय राम मोहम्मद सिंह आजाद के रूप में दिया। हिरासत में रहने के दौरान उन्होंने अपना परिचय राम मोहम्मद सिंह आजाद के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया था। जी हाँ, अपना नाम बताया था। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया था। सोचने वाली बात है, अगर किसी में बदले की भावना थी अपने देश के लिए, अपने देश को लेकर, तो वो माननीय उधम सिंह जी थे। अब कनकलता जो बरुआ थी, इनके बारे में अगर हम जाने तो वह असम की एक किशोरी स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वीर बाला और शहीद भी कहा जाता था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता AISF नेता थी। उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज वाले एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। 20 सितंबर 1942 जब 17 वर्ष की थी तो उनकी बारंगबाड़ी गोहपुर असम में मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, ये नाम देखा जाना पहचाना होगा, तुम खूब लड़ी मर्द। चलिए यहाँ पर देखिए, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में एक मराठी करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मौड़ो प्रांत तांबे और भागीरथी संप्रे की बेटी थी। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया, उपनाम उनका मनु रखा गया, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। 1853 में जब झांसी के महाराज की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र के राजा उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति को लागू किया और राज्य पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। अल्लूरी सीताराम राजू, इनका जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जो उपनाम था मान्य बिरुंडू, जिसका मतलब होता है जंगल का नायक रखा गया था। वह 1882 के मद्रास वन अधिनियम के जवाब में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। अश्विनी कुमार दत्त, जी हाँ, जब हम अश्विनी कुमार दत्त जी की बात करेंगे तो 1905 में बांग्लादेश के बारिशाल जिले में स्वदेश बांधव की समिति का स्थापना की। वह 1908 में सहकारी हिंदुस्तान बैंक निर्माण के लिए भी उत्तरदायी थे। यहां से भी सवाल इनके परीक्षाओं में खूब आते हैं और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम और आगे चलते हैं आपके सेशन को लेकर। अगला है श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी सवाल आते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले मांडवी कस्बे में हुआ था। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। वे बंबई आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। 30 मार्च 1930 को उनका निधन हो गया। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आगे हम लोग देखेंगे चितरंजन दास। जी हाँ, इनका उपनाम क्या है, कोई अगर वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई परीक्षाओं में पूछ ले गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष थे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने और 1909 में उन्होंने अलीपुर के बम मामले में शामिल होने के आरोप में अरविंदो घोष का इन्होंने बचाव भी किया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी, नाम आपने सुना होगा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म 11 जून 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गाँव में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। यह सचिंद्रनाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे और 1918 के मैनपुरी संत्र में शामिल थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें क्या की गई, फांसी दे दी गई। सूर्यसेन, सूर्यसेन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं।
इनका जन्म 22 मार्च 1894 को चटगांव बांग्लादेश के नोआपारा में हुआ था और वे मास्टर दा के नाम से भी लोकप्रिय थे यह पूछा जाता है। वह बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 के चटगांव सत्याग्रह के छापे का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हुआ था। एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। मदन मोहन मालवीय जी को, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे, राधाकृष्णन जी ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। मदन लाल ढिगरा, अगर मदन लाल ढिगरा की बात की जाए, इनका जो जन्म था ये 18 फरवरी 1883 को भारत के अमृतसर में हुआ था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढिगरा ने लंदन में कर्जन वाइले की हत्या कर दी थी। वह दोषी पाए गए और मौत की सजा भी सुनाई गई। उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। ये प्रमुख ऐसे हैं जहां से परीक्षा पूजा सुखदेव थापर। हम बात करते हैं सुखदेव थापर की। अब सुखदेव थापर में हम लोग देख लेते हैं, इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। वह नौजवान भारत सेवा से जुड़े और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। वे शिवराम राजगुरु भगत सिंह के साथ जॉन सॉन्डर्स की हत्या का षड्यंत्र में शामिल थे। उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। शिवराम राजगुरु, इनका प्रोफेसर राजगुरु के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम शिवराम राजगुरु है, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र के पास खेड़ में हुआ था। वह उग्रवादी राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, जिसे HSRA का गनमैन कहा जाता था, जी मोस्ट टाइम पे क्या कहा जाता, गनमैन कहा जाता, HSRA का क्या कहा जाता था, गनमैन कहा जाता था। मार्च 1929 में लाहौर की एक बम फैक्ट्री में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया। वीर सुरेंद्र साय, जी हाँ, वीर सुरेंद्र साय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वह यह उड़ीसा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 के बहुत पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया था। 1857 से लेकर 1864 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गुरिल्ला युद्ध उन्होंने जारी रखा था। भीकाजी कामा, इनका नाम आपने सुना होगा, भीकाजी कामा का, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। वह 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भीकाजी कामा, इनसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। रानी गाइडुल्लू, देखते हैं रानी गाय दिल्लू के बारे में। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। वह एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वह मणिपुर में अपने चचेरे भाई हाइपो जादोनागांग के स्थापित हिराका धार्मिक आंदोलन शामिल हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी कहा। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में रानी गाइडुल्लू जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लाला लाजपत राय, जी हाँ, इनका जन्म 28 फरवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वह 1894 में अपने शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की गतिविधियों से जुड़े थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1907 में बिना मुकदमा चलाए उन्हें वर्मा निर्वासित कर दिया गया। वह बंगाल के विभाजन के विरोध में थे और 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना भी उन्होंने की थी। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किसी को पता है? मैंने पढ़ाया है, शायद आपको याद होगा। जी हाँ, वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्हें 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। 1928 में वह लाहौर में सैमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण कुछ सप्ताह बाद लगी चोटों के कारण उनकी
मृत्यु हो जाती है। महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म 18 जनवरी 1842 को नासिक के निफाड़ तालुका में हुआ था। वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के पहले संस्थापक में से एक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1870 को पुनः सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। चलिए और आगे चलते हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो उनकी जयंती थी उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें कलकत्ता में उनके एलगिन रोड वाले घर में नजरबंद कर दिया गया, जहां से वो भाग निकले। अफगानिस्तान होते हुए वो रूस पहुंचे। इस पलायन में उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने उनकी मदद की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब इस प्रकार हम लोगों ने भारत में उन प्रमुख तथ्यों को पढ़ लिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वे सभी चेहरे जो आजादी में अपना योगदान दिए थे, ऐसे हजारों चेहरे हैं कि उन तमाम चेहरों को पढ़ा जहां से परीक्षा में सवाल आता है। क्योंकि आपने देखा अब परीक्षाओं का ट्रेंड बदल चुका है। नए ट्रेंड के हिसाब से परीक्षा में खूब सारे झोला भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। नोट्स और क्लास संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ ये भी नोट्स आप लोग को ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सभी नोट्स हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम आपके लिए उपलब्ध है, जो 6 से लेकर 12 तक है। साथ ही साथ ये ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में चलती है, और आप चाहे तो सभी क्लासेज को पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों को साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा करेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों को शेयर करिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करते रहिएगा। इसकी जो अन्य जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है वो भी आपको ऐप और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरी क्लासेज इस तरह से कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी निःशुल्क देश सेवा में। जब भी मुझे मौका मिलता रहेगा मैं आपकी तरह सेशन को लेकर आता रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरह से बेस्ट ऑफ लक। एक दो बार पढ़ लीजिएगा इस सेशन को, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।